एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम ट्यूटर सब लोग का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 16 के बारे में देखने वाले। अगर आप पार्ट 1 टू 15 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 टू 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा, ठीक है। सो पार्ट 16 में हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस मॉनिटरिंग हमारा एसी नेटवर्क में कैसे कर सकते हैं उसका बारे में एक आइडिया मिलने के लिए हम लोग देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक ओमीटर देखने के लिए कैसे दिखाएगा, अगर आप नेटवर्क इंसुलेशन मॉनिटरिंग आउटलाइन करवा रहे के लिए प्लान कर रहे हो तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा, कैसे हम लोग एक अनलॉग मेक ओमीटर यूज़ करके अर्थ फॉल्ट को मॉनिटर कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखने वाले हैं। सो हमारा डिस्कशंस में, ठीक है, सर्क्यूट डायग्राम्स में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स में हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स का इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, सर्क्यूट ब्रेकर्स का इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, जनरेटर्स का, ट्रांसफॉर्मर्स का, कनेक्शन का, फ्यूजेस एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग लिए स्विचेस, रिले कॉन्टैक्टर्स का हम लोग यूज़ करें। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है वो रेफर करने का टाइम है तो आप ये वीडियो को, ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं, सो दैट आपका डाउट को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक ओमीटर देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के एक पिक्चर हम लोग दे चुका हूँ। सो ये यूज़ करके हम लोग इंसुलेशन रेसिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक पॉजिटिव प्रोब है, दूसरा तो ये क्लिप वाला हम लोग अर्थ में कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करवा रहे हैं। अगर मान लो हमारा मैराइन में एक पावर प्लांट है, उसमें हम लोग इंसुलेशन मॉनिटरिंग करवा रहे तो उसका सर्किट डायग्राम दिखा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेन बसमर में भी हम लोग हमारा इंसुलेशन रेसिस्टर्स यूज़ करके वो इंसुलेशन टेस्ट करेगा। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा कंज्यूमर साइड में, ठीक है, क्योंकि किधर हम लोग ट्रांसफार्मर का बाद स्टेप डाउन करके हमारा कंज्यूमर साइड में 220 वोल्ट सप्लाई को हमारा कंज्यूमर्स को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, उसी जगह में हम लोग मेक ओमीटर यूज़ करके उधर का इंसुलेशन को मॉनिटर करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर मान लो मेजर करने के टाइम कोई भी मेन सर्क्यूट, मेन स्विच बोर्ड भी हो सकता है और एमरजेंसी स्विच बोर्ड भी है, किधर किधर कंज्यूमर्स है, किधर किधर 50 हर्ट्ज आ रहा है, किधर हम लोग सीधा 380 वोल्ट का भी कुछ जगह में यूज़ कर सकते, कुछ जगह में उसके ऐसे 220 कन्वर्ट करके भी हम लोग यूज़ करेगा। सो किधर किधर हम लोग यूज़ करवा रहे हैं और स्विचिंग के बाद उसका मेक ओमीटर यूज़ करके उसको इंसुलेशन को हम लोग मेजर करेगा। अगर कोई अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो भी हमको वैल्यूज़ में चेंज हमको मिलेगा, ठीक है। अगर मान ली ये जगह में कुछ लीकेजेस है सो इसके लिए हम लोग अर्थ फॉल्ट यूज़ करके हम लोग इसी जगह में एग्जैक्ट मेगोमीटर वैल्यू देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मान लो हमारा शिप में, शिप का पावर प्लांट को इंस्ट्रूमेंट्स वायरिंग यूज़ करके आप करवा रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा मेन बस बार एंड शाफ्ट बस बार में आप कुछ वायरिंग एस्टेब्लिश करवा रहे हैं, वो भी सैम इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स यूज़ करके एस्टेब्लिश करवा रहे, तो उसको वायरिंग कैसे करने का बोल के हम लोग इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इसके बारे में सीखने का, इससे ज़्यादा सीखने का, एंड मोस्ट इंपॉर्टली हमारे साथ प्रोजेक्ट करने थे भी आप हमको कॉन्टैक्ट, हमारा कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, ठीक है, एक्स्पेशली सीमेंस एलनबर्डी डेल्टा बीएलसी में कैसे प्रोग्राम करने का बोल के आप सीखने का तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई, अपार्ट फ्रॉम इट मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, शिप, नेवल यार्ड्स, ये जगह में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशन सिस्टम में आप काम करने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी उसी का बारे में आप सीखने के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भी और बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में सोलर डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ जगह में आपके पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसमें आपको क्रॉप्स को वाइल्ड एनिमल्स से रक्षा करने का, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नॉर्मल फेंसिंग आप सोलर यूज़ करके फेंसिंग बना सकते हैं। उसके लिए सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बनाने का इक्विपमेंट जैसे किट हम लोग दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, सपोर्ट्स हम लोग दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का बेसिक्स का आपको सीखने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स का सीखने का, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक सीखने का, हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग बेसिक सीखने का, फायर अलार्म सिस्टम का बेसिक सीखने का तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका रिलेटेड ट्रेनिंग्स हम लोग दे रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको इंटर्नशिप करने का, अगर आप एक स्टूडेंट है आपको इम्प्लांट ट्रेनिंग चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट है, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, एक्स्पेशली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड, आपको फाइनल ईयर में पीएलसी यूज़ करके प्रोजेक्ट करने के तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।